ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य परम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक संख्या 22। केचित् कर्म वदन्त एनम् स्वभाव अपरेन्द्रपः एके कालं परे दैवं पुंसा कामो मुपारते। केचित् कुछ कर्म सकाम कर्म वदन्ति कहते हैं एनम वह स्वभावम स्वभाव अपरे अन्य नृप हे राजा ध्रुव एके कुछ कालम समय काल परे अन्य देवम भाग्य पुंसः जीवात्मा की कायम इच्छा उत भी अपरे अन्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ उसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। तात्पर्य दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक नास्तिक ज्योतिषी कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियाँ किस प्रकार बनी उसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है कामो कर्षितः। जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियाँ होती है, किंतु वे जीवात्माएं प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आई है। यह तथ्य है प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा ना हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे।
अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारों को द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, और जो ही हम इस भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं तो ही हम इस जगत में फेंके दिए जाते हैं, जहाँ हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगना होगा, तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा मटकना बंद हो जाएगा। ओम अज्ञानपिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी का स्वागत है। आप लोग नित्यम भागवत सेवा करते हैं, हम तो कभी कभी करते हैं पदयात्रा में। मैं कल लो प्रभु बोल रहे थे इधर ही भक्तों का एक क्लास करेंगे तो अच्छा, उनके मुखारिम से सुनने के लिए मिलेगा, तो बहुत अच्छा प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का। हम तो पदयात्रा में चलते हैं तो इतना 9 बजे तक रहेंगे तो इतना धूप में चलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर दोपहर को कभी कभी क्लास करते हैं। ऐसा भक्त अपना अपना अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा रोज़ नित्यम भागवत सेवा आप लोग मंदिर में करते हैं, बहुत अच्छा स्थान है। इधर आ गए तो हमको सेलम की याद आ गई, हम लोग सेलम में गए थे पूरा बहुत, और उसके बीच में परम पूज्य भक्त विकास स्वामी महाराज भी हमको मिले एक जगह पे कन्याकुमारी के पास में एक एकांत स्थान में जंगल पहाड़, उसके एक ही घर बना दिया था और महाराज जी कई ग्रंथों की रचना कर रहे थे, उसके बीच में हम लोग गए थे। वहाँ से दूर था पदयात्रा, लेकिन हम लोग गाड़ी करके गए थे। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और महाराज जी बहुत पदयात्रा बहुत उनको पसंद है। एक बार आए तो महाराज जी उधर ब्रजमंडल परिक्रमा में खेलन वन है शेषशाही वहाँ पे आए थे और बहुत बुक ग्रंथ लेके आए थे, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, बहुत भक्तों ने ग्रंथ लिया, पूरा ग्रंथ पूरा ख़त्म हो गया। ऐसे महाराज जी के बहुत विशेष रामायण और अलग अलग ग्रंथ थे। फिर दूसरे भक्त कृष्ण दास भरूच में रहते, हर जगह पे जाते हैं या फेस्टिवल होता है, फिर दोबारा फिर ब्रजमंडल परिक्रमा के पीछे पीछे गए। उसी टाइम पे लोकनाथ महाराज जी आए थे और महाराज जी का पहले संन्यास हुआ था परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी, और लोकनाथ महाराज जी के पास में गए जो संन्यास होने के बाद फिर आशीर्वाद मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए महाराज जी, मैं और प्रचार कर सकूँ। तो महाराज जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद इतना सस्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा,
आपको पदयात्रा में जाना पड़ेगा, तो मेरा आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो महाराज जी पदयात्रा में रहे, महाराज जी की मुखारविंद से सुना हमने, महाराज जी पदयात्रा बहुत चाहते हैं, और हम गए, बहुत अच्छा प्रसाद वगैरह खिला दिया। तो इधर भी ऐसा ही सेलम जैसा ही, अभी तो थोड़ा लाइट वगैरह है, उससे पहले लाइट वगैरह नहीं है, सेलम भी अभी भी लाइट नहीं है, दिया लगा देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा वातावरण है भक्ति के लिए, साधना करने के लिए। आप लोग बड़े भाग्यशाली है इधर आए, इधर इधर अच्छा ट्रेनिंग लेके फिर आगे जाके फिर माया के साथ युद्ध करना है। जो मिलिट्री मैन होते पहले 6 महीने इतना उनको बहुत ट्रेनिंग फुल करा देते, बाद में फिर बॉर्डर के ऊपर भेज देते हैं, फिर वो डरते नहीं हैं, ऐसा ही इधर बहुत अच्छा ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं और भक्त लोग इधर दे रहे हैं। और सभी सचिव बहुत बार हमारे साथ 1 महीना पदयात्रा में थे उनको संन्यास कैंडिडेट से उनको भेज दिया था 1 महीने के लिए पदयात्रा में, महाराष्ट्र में थे वो, तो प्रभु भी बहुत खुश थे, रोज़ क्लास करते थे, बहुत आनंद आता था। बाद में 1 महीना रहे, बाद में वापस गए सेवा के लिए, प्रभु जी भी आए थे, 3 महीना पदयात्रा में थे, लेकिन क्लास नहीं होता था, लेकिन साधना करने के लिए बहुत आनंद आता था। सुबह सुबह मंगल आरती के पहले कई माला जप करते वक्त लोग उठते हैं, बहुत अच्छा इधर के भी अच्छा जीवन है, लेकिन पदयात्रा और भी तपस्या का जीवन है। भागवत क्लास भी नहीं होता फिर, लेकिन भगवान तपस्या देखते हैं, फिर भगवान अपनी कृपा देते हैं, दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित, और जो भक्तों की जो आध्यात्मिक इच्छा है भगवान पूरा करा देते हैं। इधर आए पहले देख, कई लोग बोल रहे थे बहुत दूर है, सिटी के बाहर है, कैसा जाएंगे, लेकिन गौर नेताई चाहती है तो सब कुछ हो जाता है ऐसा, और गौर नेताई बहुत कृपालु है। इधर अभी बंद हो गए तो एसी चल रहा था राधा गोपीनाथ जी को, लेकिन गौर नेताई धूप में बाहर ही खड़े रहते, उनको एसी वगैरह कुछ नहीं चलता। वो संकीर्तन प्रिय डीटी है और 1984 से चल रहे, पूरा रोड रोड पे जाते हैं, कितने सारे लोग मिलते हैं उनको चरणामृत प्रसाद, और हम डेली नगर संकीर्तन करते हैं, कितने हजार लोग मिल जाते, और चलते चलते ज़्यादा भीड़ होती है उधर रुका देते हैं, फिर जोर से कीर्तन करा देते हैं, रुकाते हैं, फिर सभी को प्रोत्साहित करते हैं भक्त लोग, अरे भगवान आ गए तुम्हारे द्वार पे, कम से कम भगवान का स्वागत तो करो, कोई माला धूप दीप नहीं लेके आए, भगवान ने आपको हाथ दिया है और मुख दिया है, हाथों पर करो भगवान का नाम लो। सभी बहुत लोग भगवान का नाम लेते हैं, और बड़े बड़े बैल भी है इस यात्रा के सारथी है, अभी छोटे छोटे उसके पहले बड़े बड़े बैल होते थे, बैलों को देख के 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर फोन करके बता देते, अरे इधर बड़े विशाल बैल आ गए, फिर देखने के लिए पूरा गांव का गांव आता है, फिर भगवान को देखते हैं, प्रभुपाद जी को देखते हैं, बोलते हैं बापू बैठे हैं, कोई बोलते नहीं, खाते नहीं, पीते क्या है। गुजरात में तो हम एक जगह पे बहुत 3 दिन एक जगह पे रुके, कीर्तन करते थे, महादेव जी का मंदिर था, वो बोलते आप लोग खाते पीते हैं, बापू नीचे नहीं आ रहे क्या है। हमने कहा कि आप उठा के लेके आओ उनको बापू को, फिर ऊपर गया देखते तो उनको लगा कि ये मूर्ति है ऐसा, प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी ऐसा। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते तो आखिरी दिन में महाराज जी को बताया, और एक बैलगाड़ी तैयार करो और उसमें मुझे गोवर्धन परिक्रमा करने की इच्छा है। बहुत भक्तों ने उनको मना किया, हाँ भक्ति चारू स्वामी महाराज और तमाल कृष्ण महाराज रात भर सोए ही नहीं, प्रभुपाद जी गोवर्धन की बैलगाड़ी में बैठ के जाएगा तो क्या होगा, शरीर भी छूट सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं मेरा शरीर भी छूटेगा तो चलेगा, लेकिन मैं गोवर्धन परिक्रमा करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जा पाए। फिर कुछ दिन के बाद भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हुई, उसके पहले 74 या 75 में उनको महाराज जी को बताया था कि तुम बैलगाड़ी लेके वृंदावन से मायापुर तक जाना, तब अभी तो बड़ी सुविधा है पदयात्रा में, अच्छा ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, गौरिंद है, पहले कुछ नहीं था, खाली बैलगाड़ी होती थी, रोड के ऊपर जाते थे, गांव में भिक्षा मांग देते थे, फिर चूल्हा के ऊपर इधर भी चूल्हा के ऊपर बना देते थे, बहुत अच्छा है, और फिर कुएं के पास में बैलगाड़ी पार्किंग करा देते थे, फिर रसोई करा के भगवान को भोग लगाते थे और फिर प्रसाद पाते थे। मथुरा उनके पास किराए की गाड़ी भी नहीं थी खुद की, रोज़ 20 रुपये देते थे किराए का, दूसरे गांव में जाते फिर दूसरी गाड़ी चेंज करते थे ऐसा। फिर आगरा में आने के बाद वो बैलगाड़ी अपनी हो गई,
और फिर प्रयागराज तक गए। श्री प्रभुपाद जी उसी टाइम पे थे, कुंभ मेला के टाइम पे। वो बैल वगैरह देख के प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। और उसी टाइम पे उन्होंने महाराज जी बताते, हमको तो पता नहीं है, बहुत महाराज प्रभुपाद जी के बारे में जो वार्तालाप हुआ वो बताते। ये बैल भी कोई साधारण नहीं बोल रहे थे, उनका खरे जीवन भगवान के धाम में चले जाएंगे। और बहुत बार हम ये बैलों को फिर भगवान के धाम में छोड़ देते, वृंदावन पंडरपुर मायापुर, एक दो बैल मायापुर में शरीर छोड़ दिए। फिर अभी कुछ दिन कालिया करके एक बैल था, बहुत साधु के भी अंदर इतने गुण नहीं होंगे लेकिन उनके अंदर इतने गुण थे। तो कोई गाय सामने आएगी तो मुँह बाजू में करेगा, उनको दूसरे को खिला देगा, ऐसा था। और दूसरे बैल उनके साथ कोई भी लगा देगा तो वो चलता था, उसको कोई मारती तो कभी दूसरे बैलों को नहीं मारता था। लेकिन बहुलाष्टमी के दिन, राधा कुंड का आविर्भव के दिन, वृंदावन धाम से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कई लोग जाते शरीर छोड़ने के लिए वृंदावन, फिर दिल्ली में जाके शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन ये बैल तो ऐसे है, मतलब भगवान की सेवा के लिए उन्होंने एक सनक सनातन बहु करके थे, उन्होंने 10 साल पदयात्रा किया। 25 साल 2009 में पंडरपुर में श्लोर जुबली प्रोग्राम चल रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं इस जीवन में भगवान के धाम में नहीं जाऊंगा तो मुझे बैल होना बहुत अच्छा रहेगा, रोज़ मैं भगवान का रथ खींचूंगा। हाँ, कितनी बड़ी भाग्यशाली। एक तो अभी पांडुरंग करके है, कलम बैलगाड़ी रथ में ट्रक में बैठा नहीं, उधर ही है। कहाँ से पंडरपुर के आगे से वो खींचते खींचते भगवान को रोज़ लेके आ रहा है, पैदल पैदल पैदल। इतना कभी भी उसको ऐसा ऊपर डंडा करते तो तुरंत नीचे मुंडी करके तैयार हो जाता है भगवान की सेवा के लिए। तो उनकी इच्छा थी कि मैं अगले जन्म में बैल बनूंगा, और इधर उधर ऐसा सांड नहीं इधर उधर घूमने वाला, गौर ने तय कर रथ का बैल बनूंगा तो मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो पदयात्रा चैतन्य महाप्रभु 500 साल पूर्व गए थे, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने स्थापना किया गौर राधा कृष्ण, लेकिन प्रभुपाद जी ने नित्यानंद प्रभु की स्थापन किया। गौरांग महाप्रभु से भी नित्यानंद प्रभु और कृपालु है। तो पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, अभी नित्यानंद प्रभु भी साथ में है, रत्न और श्रील प्रभुपाद जी भी है। तो कितने सारे प्रतियोगिता आचित नगर आदि ग्राम सभी जगह पर जाके बहुत प्रचार पदयात्रा आप ही लोग करते, लेकिन जहाँ नहीं जाते गाँव गाँव में कई लोगों को पता भी नहीं है गौरांग महाप्रभु कौन है या हरे कृष्ण मूवमेंट क्या है, लेकिन उनके बीच में जाते हैं तो एक बार जाते तो फिर वो जिंदगी भर कभी भूलता नहीं। अरे बड़े बड़े सिंह वाले बैल आए थे, हमने देखा था, उनसे किताब ले लिए थे, हमारे पास दिखाते हैं ऐसे लोग। तो बहुत अच्छा प्रचार का एक माध्यम है। सभी जगह पे कई लोग मंदिर तो श्रद्धावान है तो मंदिर आते हैं, लेकिन जो कोई मंदिर नहीं आते उनके लिए भगवान उनके द्वार पे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को, घर घर में जाके उनको भगवान का नाम देना। अभी स्वयं महाप्रभु विग्रह के रूप में जा रहे हैं, और वो रथ भी 2 बार चेंज किया। 1984 से चालू हुई पदयात्रा, 2000 साल में मेरा रोड में रथ चेंज किया था, लेकिन विग्रह वही है। कितना सारा हिलते है डुलते लेकिन भगवान कुछ भी नहीं होता। तो बहुत कृपालु हर जगह पे जाते हैं। और इधर तो ये मैं थोड़ा अलग ही टॉपिक लिया, लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज की कथा चल रही है। युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु को सलाह दिया, क्योंकि ध्रुव महाराज कोई साधारण नहीं है, भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। आपको बिटूर पता है? बिटूर कानपुर के पास में बिटूर है, उधर उनका जन्म स्थान है। पदयात्रा का एक बड़ा खासियत है, जहाँ जहाँ भगवान की लीलास्थली है या भक्तों की लीलास्थली है वो देखने के लिए मिलता है। कानपुर के पास में बिटूर, वहाँ पर उनका जन्म हुआ ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज वहाँ पे हम लोग इस्कॉन का मंदिर इधर गए थे और बड़ी तपस्या किया उनकी। ये बहुत स्टोरी अब तो रोज़ पढ़ रही, लेकिन हमारे भक्त ही पदयात्रा के लिए वो तो कौन सा एकदम अचानक पढ़ेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन ये ध्रुव महाराज जी का चरित्र है। और ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए गए, कहाँ गए? वृंदावन में तपस्या किया, मधुवन में। हम लोग जाते हर साल ब्रजमंडल परिक्रमा करते, मेरी इच्छा थी कि गौरांग महाप्रभु को इधर रखना। 35 बार ब्रजमंडल की परिक्रमा की, वो गौर नित्य सामने आगे आगे रहते और हजारों भक्त उनके पीछे पीछे रहते हैं। पहले विश्राम घाट से चालू होती है पदयात्रा,
परिक्रमा, बाद में ध्रुव घाट है, ध्रुव महाराज रोज स्नान करते थे, अभी भी वो घाट है आप मथुरा में, और वहाँ से जाते थे ध्रुव टीला, वहाँ पे वो उनका ध्यान का नारद मुनि ने कहा था कि अरे तपस्या के लिए जा रहे थे, उनकी माँ ने कहा था कि मैं ऐसा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ कि आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, लेकिन कौन देगा राज्य? उनकी माँ ने कहा कि भगवान ही दे सकते। फिर भगवान कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जंगल में। फिर जंगल की दिशा में गए नारद मुनि, बहुत कृपालु है, और रास्ता रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? तपस्या के लिए जा रहा हूँ, ब्रह्मचारी बनने के लिए जा रहा हूँ। हम जाते हैं ब्रह्मचारी, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन नारद मुनि ने उनका परीक्षा लिया, वो दीक्षित करना चाहते थे, लेकिन पहले ये पक्का है क्या देखा? तो फिर उन्होंने कहा अरे जंगल में बहुत सारे हिंस प्राणी रहते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने परवाह नहीं किया, मुझे प्राप्त ही करना है भगवान को। तो उन्होंने कहा कि तुम मधुवन में जाओ और भगवान का नाम जप करो और भगवान का ध्यान करो। 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। हम कितने सालों से हम इस कान में हैं, लेकिन अभी तक हम कोई लेकिन जो भी है धीरे 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 एक दिन भगवान कृपा करेंगे निश्चित रूप से। तो गुरु महाराज जी फिर तपस्या करके भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, ध्यान करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय उनका भी जप भी करते थे, और भगवान सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद फिर भी वो भगवान को देखने के लिए तैयार नहीं, फिर भगवान ने अंदर का जो दर्शन बंद करा दिया और आँख खुले तो स्वयं भगवान सामने खड़े थे। भौतिक इच्छा के लिए वो राज्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान मिले गए तो उन्होंने पूरा, उन्होंने कहा कि मुझे राज्य वगैरह करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं आपकी सेवा ही करूँगा। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको कुछ दिन ही राज्य भोग करना होगा। फिर जाते हैं अपने राज्य में, और फिर उनकी माँ रोज़ उनके लिए प्रार्थना करती थी, मेरा बेटा गया है जंगल में, क्या खाता हुआ होगा, क्या पीता होगा, कैसा रह रहा हुआ होगा, बहुत चिंता करती थी सुनीति। और फिर जब ध्रुव जी गए, उनकी आंखों में से आंसू से पूरा उनका अभिषेक हो गया, और वो पुत्र वत्सल से उनके स्तन से दूध बह रहा था, पूरा उनका अभिषेक हो गया, और बहुत माता बहुत प्रसन्न हो गई। और उत्तानपाद राजा फिर भी राजा होते हुए भी उन्होंने तुरंत कुछ दिनों बाद ध्रुव जी बड़े होने के बाद पूरा राज्य कारबार ध्रुव जी के ऊपर संभाल देते हैं, और जंगल के अंदर जाके तपस्या आत्म साक्षात्कार के लिए घर राज्य पूरा त्याग देते हैं। लेकिन उनका भाई उत्तम वो उनका शादी नहीं होती, ध्रुव महाराज जी की शादी होती है, और वो जाते हैं हिमालय की चोटी के ऊपर, ऐसा जंगल में जाते 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 उधर जाते हैं, और यक्षों ने उनका यक्ष वध करते हैं उनका। और उनकी भी माँ सुरुचि अपना बेटा कहाँ है ढूंढने के लिए वो बहुत आतुर थी, और फिर वो भी जाते हैं, लेकिन उनका वध होता है, यक्ष मारते हैं, तो वो भी उनके पुत्र के विरह में वो भी शरीर त्याग देती। फिर ध्रुव महाराज को पता चलता है मेरे भाई और मेरे सौतेली माँ वो भी मर गई। फिर ध्रुव महाराज जाते हैं और यक्ष के साथ, एक यक्ष ने मारा था लेकिन हजारों यक्ष भी उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे। और फिर ध्रुव महाराज भी भगवान के कृपा पात्र थे, इसलिए हजारों जो यक्ष उनके साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन ध्रुव महाराज एकदम रथ सारथ्य करने में एक निपुण थे और युद्ध कला में भी निपुण थे, हजारों लाखों यक्षों को उन्होंने मार दिया। और फिर यक्ष उनके पास मायावी जादू बहुत सारा, ऐसा लग रहा था कि कोई पूर्ण प्रलय होता है क्या, ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में जैसा बादल के बीच में सूर्य प्रकट होता है वैसे ध्रुव महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। और भी मांस और खून बहुत गंदा गंदा वो शस्त्र छोड़ रहे थे, लेकिन वो सप्त ऋषि उनको मिलते और उनको आशीर्वाद देते और नारायण अस्त्र वो बांध देते हैं, और वो बांध से वो भगवान का विशेष कृपा प्रसाद रहता है, और उनको सब जो मायावी जो युद्ध था पूरा रुक जाता है। फिर भी ध्रुव महाराज जी शांत नहीं होते, इतने लोगों को मारते, एक क्रोध होता है, क्रोध जो क्षत्रिय होते हैं वो
क्रोध करते हैं तो उनका क्रोध बहुत पूरा भयंकर होता है। हनुमान जी भी क्रोध किए, हम भी क्रोध करते तो हमारा क्रोध से हमारा नुकसान हो जाता है, हम समझ भी नहीं आता हम किससे बात कर रहे हैं, कौन है, हमारे गुरु जी है क्या, हमारे वरिष्ठ है, हम बोल के बैठ जाते हैं। मेरा भी ऐसा होता है, कहीं कहीं नए भक्त होते बोल देता हूँ क्रोध में आके, बाद में पश्चाता बता, अरे क्यों बोल दिया, उन्होंने पूरा जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए, तो फिर पश्चाता बहुत होता है। लेकिन हनुमान जी ने भी क्रोध किया, लंका जलाया उन्होंने, ऐसा फिर प्रभु रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्रोध किया। लेकिन क्रोध में भी हनुमान जी को लगा कि मैं तो लंका जला दिया, बहुत सारे राक्षसों को मार दिया, मैं परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का रुणी हूँ, वो रामायण लिखे है, इतना सुंदर रामायण है, वो हाथ से नीचे रखने की इच्छा नहीं होती, पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, बहुत अच्छा रामायण लिखा है हिंदी में, बहुत अच्छा लगा, अभी मैं दो तीन बार पढ़ा, लेकिन और भी पढ़ने की इच्छा होती है, बहुत अच्छा महाराज जी वो कृपा के हमारे इस्कॉन के कई डिवोटी ने नहीं लिखा, लेकिन महाराज जी ने लिखा है वो रामायण जी, बहुत सुंदर। और उसमें जब क्रोधित होकर सभी सभी जगह पे लंका को जला दिया हनुमान जी ने, और फिर उनको लगा कि सीता को बहुत कष्ट दे रहे थे, और सीता कोई साधारण नहीं है, जगत जननी है, लेकिन रावण बहुत दुराचारी था, उन्होंने उनका अपहरण किया था, लेकिन सीता हमेशा प्रभु रामचंद्र के सिवा किसी का चिंतन नहीं करते थे। रावण कितना उनको पटाने के लिए प्रयास किया, और लंका का वर्णन किया है, ब्रह्मलोक से भी ज़्यादा लंका का वर्णन उसमें दिया हुआ है, लोग सब खाने पीने में मौज मस्ती में पूरा मस्त थे, सीता को पटाने के लिए रावण बहुत बार जाता था, लेकिन सीता बोल रहे नहीं, मेरे हृदय के अंदर प्रभु रामचंद्र के सिवा मैं और किसी को भी नहीं सोच सकती, आपकी रानी ने मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं बनूंगी, ऐसा राम के सिवा और कुछ भी नहीं मेरे हृदय में, ऐसा उनके सत्य वचन थी और पतिव्रता और शास्त्र के अनुसार चलने वाले थे। जब हनुमान जी को पकड़ लिया और उनको पूछ बांध दिया और उनको जलाने वाले थे पूछ, तो सीता माता को पता चला कि ऐसा ऐसा हनुमान जी को ऐसा वो सजा देने वाले हैं, सब बहुत राक्षसों को मारा हनुमान जी ने, फिर उनका इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र से उनको बांध देता है, लेकिन ब्रह्मा वो हनुमान जी जब जाते हैं जन्म हुआ तब सूर्य को पकड़ने के लिए, फिर सूर्यदेव तपते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, बाद में दोबारा जाते हैं, दोबारा जाने के बाद फिर वो इंद्र अपना वज्र छोड़ देता है, उनका हनु उसको लग जाता है, इसलिए हनुमान हो गए। लेकिन उसी टाइम पे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था, कौन सी भी इस दुनिया की शक्ति है, कोई भी देवी देवता कितना भी आपके ऊपर वार करेगा तो तुमको कोई उसका प्रभाव नहीं होगा, मेरा ब्रह्मास्त्र भी उसके ऊपर क्षीण हो जाएगा, और वो इंद्रजीत को ब्रह्मास्त्र मिला था, लेकिन उन्होंने बांध दिया, लेकिन उनको पता चला कि ये ब्रह्मास्त्र क्षीण हो गया, तो हनुमान जी गए और उस सभी रावण के सामने देखना चाहते थे रावण को, और वानर को पूछ बहुत प्रिय होती, उन्होंने पूछ को कपड़ा लपेट के बांधने के लिए प्रयास किया, और सीता माता जी को पता चला कि वो जब राक्षसनी ने बताया कि हनुमान जी को ऐसी सजा दे रहे, तो सीता माता प्रार्थना करती है, मैंने आज तक जितनी भी तपस्या किया है या मैं प्रभु रामचंद्र की सेवा किया है, रामचंद्र का चिंतन किया है, मैं एकनिष्ठ हूँ, मेरी जितनी भी तपस्या का फल है वो जो आग होती है, आग संसार धावा न लीडर होकर, आग कभी एक बार लग जाती तो कभी बुझती नहीं है, लेकिन वो आग वो हनुमान के लिए शीतलता प्रदान करेगी, मेरा पतिव्रता या मैंने जो भी तपस्या किया ये तपस्या का फल वो आरोपण करती, फिर हनुमान जी बढ़िया आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद सब जल जाता है, फिर जाते हैं, जाने के बाद पीछे देखते तो उनके मन बिचारा, अरे सीता भी जल के खाक होगी तो क्या होगा, फिर राम भी पता चलेगा सीता जल के खाक होगी तो फिर राम जी भी शरीर त्याग देंगे, फिर भरत भी शरीर छोड़ देंगे, शत्रुघ्न है और लक्ष्मण जी है और उनकी माँ लोग है सब शरीर त्याग देंगे, ऐसा उनको मन में विचार आ गया, लेकिन हनुमान बहुत बुद्धि से काम कर रहे थे, तो बाद में जो आत्म साक्षात्कार या भगवान के भक्त थे, भगवान अंदर से उनको शुभ लक्षण
अंदर उनको प्रकट हो गई, नहीं, अरे जिस राम और सीता की कृपा से मुझे ठंडक मिली है वो सीता को कैसे अग्नि स्पर्श कर सकती है, ऐसा तो उन्होंने हनुमान जी के लिए भी प्रार्थना किया और हनुमान जी के मन में भी ऐसा आ गया। तो क्रोध कर किए, लेकिन इधर ध्रुव महाराज जी ने क्रोध किया स्वार्थ के लिए क्रोध किया, लेकिन हनुमान जी के अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं था। हम भक्ति करते हैं, हमारे अंदर लाभ प्रतिष्ठा और ये सब अंदर बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी दास भाव से कभी भी प्रभु रामचंद्र के सामने कुछ भी उन्होंने मांगा नहीं। आखिर मेरे हृदय के अंदर आप प्रविष्ट हो जाओ, ऐसा हनुमान जी का भाव था। लेकिन ये ध्रुव महाराज भी कोई साधारण नहीं थे, भगवान के बड़े भक्त थे। और फिर जो मनु है, स्वयंभू मनु, इतना संहार दे के उनको लगता है एक आदमी ने, एक यक्ष ने मारा तो हजारों यक्षों को मारने का क्यों तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको भगवान का साक्षात्कार हुआ है और भगवान के भक्त पर दुखी दुखी होते हैं। जो संत होते हैं या बड़े भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी है, कैसे कैसे प्रचार किया, कितना कष्ट उठा लिया, कैसे लोगों के बीच में रहे और कितना उनके अंदर करुणा थी, तो हजारों लोगों को उन्होंने भगवान के भक्त बना दिया। उनकी बड़ी दया कृपा है, हम लोग श्री प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन भगवान के भक्त बहुत कृपालु होते हैं और उनके अंदर सभी गुण होते हैं। तो वैसे वो मनु जी, उनको स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज जी को बोल रहे थे कि इधर बताया, कई लोग होते कि अपने अपने अलग अलग योनियाँ मिलती है, अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग योनियाँ में जन्म लेना पड़ता है, ऐसा तो बोल रहे थे कि सर आप तो खाली निमित्त है, भगवान सब कारणों के कारण है, तो आपको ऐसा इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आप एक कुबेर के सब अंशज है, यक्ष वगैरह, वो कुबेर जी बहुत नाराज हो जाएंगे, तुमको शाप दे देंगे तो तुम्हारा परिवार एकदम शापित हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ। फिर जो ध्रुव महाराज जी है वो शांत हो जाते हैं और फिर वो युद्ध त्याग देते, मतलब बंद करा देते हैं ऐसा यहाँ पे। और श्री प्रभुपाद जी बहुत सारा इसमें ये देते एग्जांपल, कई कई लोग होते हैं जो मीमांसक होते हैं, नास्तिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, अपना अपना तर्क देते रहते हैं। हम लोग भी पदयात्रा में जाते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, सब मायावादी मिल जाते हैं, कई निराकारवादी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह पे थे, एक गांव में, एक हनुमान रामनवमी के एक दो दिन पहले वो बोला, ये राम क्या भगवान है क्या, बोला क्या तुम भगवान हो क्या, नहीं बोलता है राम भगवान होगा तो फिर वो वनवास कैसा लिया उन्होंने, मतलब उनको एक साधारण बुद्धिस्ट था और भी उनको वो दुनिया भर की गंदगी, वो भगवान को भगवान नहीं, दूसरा और कोई बाबा कोई भगवान बना के वो बैठे उनकी पूजा करे। लेकिन शादी होती तो फिर राम मंदिर में आ गए उनके सभी समाज के लोग, बाहर से दिखा देते थे लेकिन अंदर में ऐसा नहीं, उनकी परंपरा है वो मंदिर में आए। बहुत सारे लोग ऐसे नास्तिक मिल जाते हैं, निराकारवादी मिल जाते हैं, लेकिन जी हम ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसकोन से जुड़े हुए, इसमें यथारूप उसमें कोई मनगढ़ंत कोई नहीं है, शुद्ध परंपरा है। हम हमारे अंदर कमियां है, हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 हम भगवत भक्ति में प्रगति करते हैं। और एक बड़ा गुह्य, हम गुरु और गौरांग उनको प्रसन्न करके हम अपनी इच्छा से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरु महाराज या श्री प्रभुपाद जी के जो आदेश है और जो परंपरा से हम जो कार्य करते हैं उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से फिर हम परिपूर्ण बन जाएंगे। ये भौतिक जगत में है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ रहती है, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए हमको भगवान के भक्तों का आश्रय लेना, भगवान के भक्तों से सुनना, तो हमारा ये हमारे इंद्रिय इधर
बताया श्रील प्रभुपाद जी कि उनका तात्पर्य तो बहुत सुंदर विस्तार से है कि कई कई लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया कि जब तक जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, हम ये शरीर को ही भौतिक जगत में शरीर को ही सब कुछ सोचते हैं, शरीर को ही आत्मा समझते हैं, इसलिए भोबंधन में जाते हैं और अलग अलग योनियों में उनको भटकना पड़ता है। लेकिन जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, और जब तक हम हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगा देते तब तक हमारा जो संबंध है भगवान से वो जुड़ेगा नहीं, इसलिए तो ये सब अलग अलग कार्यकलाप दिए हमको। सुबह उठते मंगल आरती करते हैं, फिर सेवा होती है, अलग 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 सेवा करते हैं भक्त लोग, तो उसमें हमारी परिपूर्णता आ जाएगी। तो जो भी है, आप इधर पदयात्रा आई, बहुत अच्छा स्वागत किया। हम तो पैदल पैदल आना चाहते थे, लेकिन रोड ऐसा ऊंचा नीचा है, एक बैल तो उनका थोड़ा पैर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए उधर ही छोड़ दिया, वो नहीं आया ऐसा। लेकिन रोज़ भक्त लोग चलते हैं, जाते हैं, कैसे कैसे गांव में जाते हैं। एक तो हम थे सेलम के पास में, एक उधर ऐसा रोज़ गांव में नगर संकीर्तन करते हैं। एक तमिल बोलने वाला, एक सूरज करके था हमारे साथ में, और एक गौरिंदाई बहुत कृपालु है। 1984 से चल रही यात्रा, अभी ये तो हिंदी एरिया है, आगे जाएंगे बंगाल में तो बंगाली बोलने वाले कोई भक्त हमारे साथ में है, कई नहीं होते हैं, कई तमिल बोलने वाला नहीं होता तो भगवान बराबर भेज देता है उनको, और वो एरिया पूरा क्रॉस करा के दे देता है ऐसा। फिर मलयालम होता है, अभी ये टाइम पे हम तमिलनाडु से आ गए कन्याकुमारी से होते हुए, और हमारे पास एक शब्द भी किसी को मलयालम नहीं आता, लेकिन हम 3 महीने में 45,000 महाबिक बुक्स दिया उधर पूरा रोड के ऊपर पैदल चलते 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 चलते, और बहुत अच्छा। वो एरिया में कभी मलयालम किताब ही नहीं मिला था, छपा भी नहीं था 10 साल पहले, 7-8 साल पहले, और इतना प्रचार इतना प्रचार। और ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, महाप्रभु उनकी इच्छा है ना, सभी जगह पे जाके पृथ्वी त्याचित नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो विमोरणम, तो महाप्रभु का कार्य। अभी समझ हम संकीर्तन में जा रहे, बारिश आ गई तो किसका कार्य रुका, भगवान का ही कार्य रुका, तो भगवान ऐसा मदद करते। हम लोग ऐसा एक जगह पे थे बड़ा ऐसा, वो उधर बहुत बारिश होती है, बारिश में समुद्र के किनारे इतना बारिश आती तो पूछो मत, एकदम पूरा पानी 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 हो जाता। लेकिन हम जब रथ लगा दिया, बुक्स रख दिया, जैसे संकीर्तन चालू किया, बारिश कहाँ गया पता ही नहीं चलता था, और बाद में संकीर्तन करने के बाद फिर रात भर बारिश ऐसा, और एक एक दिन में 300-400, एक दिन का 600 महाबिक बुक का ऐसा एवरेज था। और हम भी ज़्यादा उसमें बुक्स के पीछे प्रॉफिट नहीं, अभी भी हम भगवती तो 200 रुपये में दे रहे हैं, मंदिर में 200-250 रुपये में देते हैं, रामायण भी 200 रुपये में, और एक ऐसे सर 500 रुपये का सेट प्रभु जी है ये हमारे चंद्रमोहन प्रभु, उधर सिंधी एरिया में थे, कोई किताब ही नहीं ले रहा था, उन्होंने कम से कम 30 बुक दिए एक 2 घंटे में, फटाफट फटाफट दे दिए 500 रुपये का सेट करके ऐसा। लेकिन उधर बहुत प्रचार हुआ, और महाप्रभु का ये कार्य है, कोई रोकेगा तो वो रुकेगा नहीं, और रोकेगा तो महाप्रभु का, ये मेरा संकीर्तन आंदोलन है, जो कोई रोकेगा तो उसके मैं चांदका जी के छाती के ऊपर जाके बैठे थे ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही होता। हम लोग उधर झारखंड में थे, मैं बहुत जगह पर बता देता हूँ, हमको ऊपर अटैक किया था वो नक्सलाइट लोगों ने, पूरा मारपीट किया था, बॉम्ब ब्लास्ट किया, लेकिन ऐसा बहुत दिक्कत में आ गए थे हम लोग, लग रहा था कि पूरा ख़त्म करा देंगे ऐसा, बहुत काले हट्टे कट्टे थे, और वो लोग क्रिश्चियन बने थे, और जो भी रात को, अभी तो थोड़ा अच्छा शासन है, पहले तो कोई पूछो मत, बिहार यूपी लाइट मिलना बहुत मुश्किल, हम एक जनरेटर रखते थे उसको साथ में वो चार्ज करने के लिए, और एक जगह पे ऐसे रुके, गाँव का नाम था पंडरी करके, पंडरी मतलब विट्ठल भगवान का कोई इधर कृपा हुई होगी, वही गाँव में हमारे ऊपर अटैक किया, पानी नहीं पीने के लिए, सामने कुआं है, उधर कुआं में कोई गिरेगा तो मरेगा ही ऐसा स्थिति, और उसके पहले बच्चा चोरी का एक चल रहा था उधर, वो साधु का कपड़ा पहन के बच्चा चोरी कर रहे थे, हमको रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी वहाँ पर। वो गाँव में गए और फिर रात को वो लोग आ गए, और कई बाबा बापू होते हैं
उन्होंने कोई कांड किया, वो लोगों को लगा कि सब साधु ऐसे ही है, फिर हमारे ऊपर आ गए और रात को फिर मार पिटाई किया। एक भक्त था उनको बहुत पिटाई किया, उसका मुंह इतना फूल गया, आ गया हमारे पास में, अरे मुझे मार दिया करके। बोला क्या हो गया? कई और पदयात्रा में आते गाँव में शराब पीने वाला, रात को उनको तो नशा चढ़ती है, वो कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं पूरा हिस्ट्री पूछेगा हमको, नहीं बोलेगा तो फिर झगड़ा करेगा, गाली दे देगा ऐसा। तो उधर गए और वो लोगों ने बहुत तकलीफ किया, और वो गांव में एक आदमी मर गया था, वो बहुत अपशकुन जैसे दिखाई दे रहे थे। वो रात को वो लोग आ गए और फिर वो एक वो मनसुखा करके एक था, एक भक्त भारी सोया था, उनको वो जोर जोर से चिल्लाया चोर 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 करके, उनको ऐसा मार दिया, उनका मुँह इतना फूल गया। और हम अंदर सोए थे, वो जगा दिया ये छोर है, मेरे पास एक टॉर्च है बड़ी, वो टॉर्च में देखे उनको देखा तो एकदम डंडा बिंडा लेके पूरा तैयारी में थे। अरे हमने कहा कि हम लोग साधु संत हैं, भजन कीर्तन करते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं दिया, हमको क्यों इतना परिश्रम तकलीफ दे रहे हैं? तो साधु संतों को मारेगा तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, ओ तू ज़्यादा बोलता है करके मेरे सर पर मार दिया एकदम ऐसा। फिर भक्तों ने देखा कि ऐसा, फिर बाद में ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो ईंट थी उनके ऊपर फेंक दिया, वो थोड़ा छुप गए। बाद में वो मनसुखा उसके ऊपर बम मार दिया, वो हाथ बम था और बहुत उसका साउंड बहुत दूर तक गया, उधर रेंज नहीं था मोबाइल, बहुत ऐसी स्थिति थी। लेकिन ऐसा एक वो दरवाज़ा तोड़ के उधर एक लोकल एक डिवोटी था, वो चंद्रशेखर उनका नाम था, उनका ये भक्त लोग, ये लोग बहुत डेंजर है, किसी का जान ले सकते हैं, आप अंदर जाके बैठो। हम अंदर गए और एक भक्त था, बुक्स का लक्ष्मी था हमारे पास 1.5-2 लाख रुपए उसी टाइम पे, एक पुराना टॉयलेट था उसके ऊपर प्लास्टिक के कैरमिक विमान के ऊपर डाल दिया। तब तक आ गए दरवाज़ा तोड़ के, एक अंदर ऐसा वो कुल्हाड़ी, दूसरा पैसा निकालो मैं तो मार दूँगा ऐसा, पैसा नहीं मिल रहा था। वो अकील दरअप वो हमारे साथ में एक हमेशा रहते हैं हमेशा पदयात्रा में, उनको सामान पूरा उठा लिया, फिर हाथ पैर बांध दिया, क्या करने वाले थे पता नहीं, लेकिन अच्छा हुआ भगवान के रथ के पास में नहीं गए, भगवान ने फिर रक्षा किया। वो पुलिस वाले वो बम ब्लास्ट आवाज़ सुन के फिर वो लोग आ गए, आने के बाद फिर वो भाग गए, वो भी उनके ऊपर अटैक कर सकते लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली फायरिंग किया और उनको भगा दिया। फिर दूसरे दिन हम पुलिस थाने में गए, पुलिस बिना पूछ के अंदर गए तो हमारे ऊपर पुलिस डांट रही, तुम अंदर कैसे बिना पूछ के आ गए? वो भी पुलिस वाले वो नक्सलाइट लोग वो डरते थे, लेकिन वहाँ से बहुत डेंजर एरिया था, वहाँ से आगे आगे हम मैं फिर महाराज जी को बताया, महाराज जी ऐसे ऐसे हमारे ऊपर अटैक हो गया। तो कौन सी जगह पे हो गया? उन मैंने कहा कि वो झारखंड था, वो बोलते उधर की परंपरा है, मैंने जब हाँ श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद को बुक्स लेके जा रहे थे उनको उधर ही लूट लिया था, और सनातन गोस्वामी उधर से बंगाल से आ रहे थे उनको भी उधर ही लूटा था, आप लोगों को उधर ही लूट लिया, तो बोल रहे ये और बहुत लोग खतरनाक थे, लेकिन अभी भगवान को। और बाद में उनको पता चला वो लोग पागल हो गए, भक्तों को इतना तकलीफ देते, बाहर के लोगों को ठीक है, बाहर के लोगों को भी नहीं तकलीफ देना चाहिए, लेकिन भक्तों को तकलीफ देगा तो भगवान उनको क्या क्षमा करेंगे क्या? बाद में एक दो लोग पागल भी हो गए, फिर नशा करना, उनका जीवन पूरा खराब हो गया ऐसा। उधर एक लोकल डिवोटी रहता है वो गिरिडीह देवघर में ऐसा, तो सभी जगह पे जाते बहुत लोग, कई अच्छे भी लोग मिलते हैं, बहुत सारे भक्त लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत बीच में अभी यहाँ से हम जा रहे हैं जबलपुर, कई अभी आगे कैसे कैसे लोग मिलेंगे पता नहीं, लेकिन इधर MP बहुत अच्छा है, साधु संतों को मानते हैं लोग, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम उधर पंजाब में जाते तो टकला सिक्का खींचेंगे, वो सरदार जी होते बहुत तकलीफ भी देते, पहले तो अच्छे थे लेकिन अभी आजकल हमको उधर रुकने के लिए पहले हर जगह पे हम पंजाब हरियाणा अमृतसर तक पैदल पैदल गए थे, वो लोग बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये पॉलिटिक्स आके पूरा बिगाड़ दिया उन्होंने पूरा, ये हिंदू है हम सिख है ऐसा करके पूरा माहौल बिगाड़ दिया। लेकिन जो भी है महाप्रभु कृपा करते, उसमें कोई एकादा भी भक्त मिल जाता है तो फिर वहाँ पे प्रचार कार्य जारी रह जाता है। तो कई लोगों को ऐसा संग नहीं मिलता भक्तों का, विग्रह का दर्शन भी नहीं किया हुआ, मैं भी जब पदयात्रा में आने के पहले कभी विग्रह के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन यही नितायगौर सुंदर को देखा मैंने 2000 साल पहले,
तो फिर वो देखा तो बहुत अच्छा लगा रे, वो उनके साथ जाने की इच्छा थी लेकिन हो नहीं पाया। फिर 10 सालों के बाद फिर दोबारा पदयात्रा आ गई वो महाराष्ट्र में, और तब से फिर भगवान ने अपने साथ में लेके, बहुत सारे भक्त हैं वो संत से वो करके कहीं वृंदावन धाम में सेवा करते, और वो भी बहुत सारा एडवांस पार्टी करना, रहना कराना। एक जगह पे बेंगलोर में थे वो नित्यानंद करके उनका आश्रम था, वो भी ऐसे ही लोगों को फंसाने का काम योगा के माध्यम से लोगों के पैसा, विदेश से बहुत सारे लोग थे वो लोग हमारे पदयात्री भक्त गए और वो कीर्तन करा दिया, वो लोगों को बहुत खुश हो गए। एक ट्रॉली भर के उन्होंने अनाज दे दिया, दाल चावल आटा सब भर के दे दिया। फिर हम दोबारा गए एक बार, वो उन्होंने हमको कहा था कि ये नित्यानंद का आश्रम है, नित्यानंद अपने नित्यानंद तू नहीं, वो नित्यानंद हो, वो भौतिक जगत में आनंद लेने वाला नित्यानंद। और वो स्त्रियों के चक्कर में आके फिर प्रॉब्लम भी हो गया, उनको जेल में गया। फिर प्रयागराज कुंभ मेला भी हमको मिला था। फिर हम दोबारा उधर गए 10 सालों के बाद, जाने बाद देखा तो उनका आश्रम पूरा बड़ा आश्रम बना दिया, वो छूट के आ गया और बहुत पैसा भी था उनके पास में, लेकिन पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ था। मैं और पार्थ सका प्रभु करके थे, हम गए और कहा कि हम लोग पदयात्रा लेके आए बैलगाड़ी। वो बोलते कोई हमको पता नहीं है, हमारे इधर प्रोग्राम है, आप दूसरी जगह पे जाके रहो। बाद में उनको पता चला कि इस्कॉन के भक्त आए हरे कृष्णा वाले। बाद में रात को 10 बजे उनका फोन आ गया, नहीं 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 महाराज लोग आप इधर हमारे आश्रम में आके रुकिए। और उधर तो हम दूसरे एडवांस पार्टी किया था, उधर दूसरे गांव में गए, लेकिन उनकी इच्छा थी हम छोटी गौरी नित्या जाके उधर कीर्तन करा दिया। वो लोग भी कैसा जटा बिटा, ऐसा कई कई छोटे बाल थे लेकिन जटा डुप्लीकेट बना के ऐसा क्या क्या करते थे, आँख बंद करके बोलते थे कि तुम्हारा क्या है मैं सब बता दूंगा। मतलब मैं जी बताओ, तो बोलते तुम्हारे घर के सामने नीम का पेड़ है। मैं बोला मेरा घर है नहीं तो मैं नीम का पेड़ कहाँ से लूँगा। अगर तुम आँखों की पट्टी खोल के तुम बोलो भाई ऐसा क्यों ऐसा बता रहे थे। तो लेकिन वो तो भगवान की सेवा किया उन्होंने। बाद में आ गया दूसरे दिन, बड़े बड़े फल 10-12 बड़े बड़े टोकरी लेके आ गया, और उनके अनुयायी हमने नचवाया कीर्तन में, संकीर्तन करवाते। बहुत सारे मायावादी आश्रम में हम लोग जाते हैं, कई लोग होते हैं रात भर उनके साथ। हम सेलम के पास में एक मठ था उधर रुके थे, और रात भर डिस्कस कर रहे थे। वो जय विजय पोहे थे वो और एक दो भक्त थे कौन थे सका कर, रात भर उनके साथ बात कर रहे, लेकिन उन्होंने भी उनका स्वीकार नहीं किया, हमारे भक्ति का स्वीकार नहीं किया, और वो लोगों ने भी उनको कोई बात नहीं मानी। फिर रात भर चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन हम कई कई भक्त जाके मायावादी आश्रम में रुकते हैं और उनको फिलॉसफी बताते, हमने कहा कुछ बोलना नहीं, ईश्वर प्रभा जी ग्रंथ देना है उनको प्रेम से, तो ग्रंथ ले लेगा तो फिर पढ़ेगा तो फिर वो उनका अच्छा होगा। फिर वो नित्यानंद उनके अनुयायियों को भेज दिया, बड़ा माला सबको ये वो करके, और उनने एक पॉकेट में लक्ष्मी दिया, मुझे लगा कुछ दिया होगा 5-10 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये का डोनेशन उन्होंने दिया पदयात्रा की सेवा के लिए। हमें सोच भी नहीं सकते हम ऐसा इतना वो सेवा करेगा, लेकिन भगवान है और भगवान कृपा करते। ऐसे कर बहुत सारे हम कई कई हम इस्कॉन के भक्त हैं, नहीं इधर नहीं रहना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, लेकिन पदयात्रा में हमको जाना ही पड़ता है। अभी वो कुबेर जी, कुबेर का मंदिर होता है, वो कुबेर वो तो मानते नहीं वो मंदिर विग्रह, लेकिन उधर जाके हम लोग कीर्तन कराते हैं। हम उधर गुजरात में वो दयानंद सरस्वती आश्रम है उनका बड़ा, उधर गुजरात में एक जगह पे है मोरबी, मोरबी के पास में, और उधर गए। वो तो पूरा पक्का नास्तिकवादी, उनके पिताजी महादेव जी की पूजा कर रहे थे, और वो शिवलिंग के ऊपर से एक चूहा जा रहा था। अरे उनको बोलता ये शिव जी खुद की रक्षा नहीं कर रहा है तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, इसलिए ये मूर्ति वीर्ति को ये सब खेल है ऐसा बोल दिया। तो उन तब से उन्होंने इतना बड़ा प्रचार किया कि वो विग्रह के भगवान निराकार है करके। लेकिन उनके आश्रम में हम रुके और नरसिंह जयंती हमने मनाया वहाँ पे। वो लोग पहले तो वो किसी को आने के लिए अलाउ नहीं करते थे, लेकिन गांव के लोगों को लगा कि ये कैसा आश्रम है, कोई साधु संत आते तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करते किसी को, गुजराती लोग तो बहुत दानी होते हैं, लेकिन वो आश्रम वाले किसी को आने नहीं देते।
लेकिन हमने ऊपर गांव का प्रधान जी सरपंच उनसे परमिशन लेके वो आश्रम में रुके और उसमें उनका गुरुकुल था। वो पहले देखे हमको बहुत अच्छा लगा और हमने कहा कि नरसिंह भगवान है देखो। हाँ अरे ऐसा भगवान थोड़ा होता है, मनुष्य भी नहीं है और ये प्राणी भी नहीं है, ऐसा थोड़ा ही भगवान होता है, वो लोग ऐसा बता रहे थे। लेकिन वो भाई ठीक है, हमने प्रसाद बनवाया और प्रसाद खाया, प्रसाद हमको नहीं रखा, वो लोग पूरा इतना टेस्ट लगा पूरा प्रसाद खा लिया और बोलते और आ गया ऐसा। तो प्रसाद हाँ मतलब हरि नाम लिया प्रसाद खाया, ऐसा बहुत सारे आश्रम एक जगह पे गए वो माया, ऐसा ही आश्रम था आर्य समाज करके। आर्य मतलब हमारे सनातन संस्कृति को फॉलो करते उसको आर्य बोलते, लेकिन आजकल के आर्य बोलते हैं लेकिन वो विग्रह को नहीं मानते, भगवद्गीता को नहीं मानते, वेदों को मानेंगे लेकिन भगवद्गीता को नहीं मानते। और उसके बीच में एक बड़ा गुरुकुल था राजस्थान में, उधर गए हम लोग और हमारे एक बजरंगी प्रभु करके थे, उन्होंने 12-13 साल पदयात्रा किया, अभी हरिद्वार में वो सेवा कर रहे हैं। उन्होंने सबको गीता दे दिया और भगवत गीता, वो टीचर नहीं थी वहाँ पे, और बच्चे ने भी गीता ले लिया, सभी ने 100-100 रुपये में गीता ले लिया और बाद में रथ आ गया ये भगवान है। अरे फिर वो टीचर ने कहा अरे तो ये साकारवादी है, हम निराकारवादी है, ये गीता वापस करो। हमने कहा एक बार दिया हुआ हम वापस नहीं लेते, सभी को गीता दे दिया। और बाद में वो लोग इतने कट्टर थे, उनका आश्रम इधर था और हम पास में रुके थे, एक बच्चे को भी बाद में हमारे पास में नहीं भेजा उन्होंने, नहीं उधर नहीं जाना, वो लोग आपको अलग प्रचार कर रहे हैं करके। लेकिन जो भी है हमने कहा गीता लिया तुम पढ़ो भाई, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सभी जगह पे गांव गांव में जाते हैं, जो नास्तिक है निराकारवादी है जो भी है वहाँ पे जाते हैं, भक्त लोग बड़ी तपस्या करते हैं। कई कई भक्त हैं 10-10, 12-12 सालों से पैदल चलना कई साधारण बात नहीं होती। हमारे उज्जैन से कई भक्त लोग आए थे, 2 दिन आ गए, अरे बोलते प्रभु ऐसा रहना, इधर टॉयलेट नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किलें आती है। अभी तो लाइट वगैरह हो गया, एक भक्त थे हमारे साथ में आ गया, रात को बाथरूम के लिए गए, वो तार था ऐसा कंपाउंड का पता ही नहीं चला, ऐसा गए पूरा बॉडी उसका पूरा फट गया, उसके अंदर ही गिर गए, टॉर्च भी नहीं था उनके पास, सदाशिव गुरु करके था एक। तो बहुत सारी तकलीफ होती है, लेकिन हम तप जाते हैं तो क्या होता है, जो सोना होता है गर्मी आग में डालेंगे तो क्या होता है, उसमें अंदर की गर्मी निकल जाती है, ऐसा ही हम जाते। अभी तो धूप इतना है, अभी तो 8:30-9 बज रहे, लेकिन बाहर जाएंगे तो 5 मिनट एक जगह पे खड़ा रहेंगे तो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रोज़ चलना होता है। वो प्रभु तो उनका नाक पूरा जल गया, वो अच्छा सीए थे उधर, लेकिन आ गए पदयात्रा में। और बहुत भक्त तो भद्रबल रामपू करके, वो भी 10-12 सालों से चल रहे, हमारे पूजा ये बैल सेवा करते हैं वो उत्तम नरहरि को बांग्लादेश। और कई कई ऐसे भक्त है उनके पास ना मोबाइल है ना आईडी है ना कुछ नहीं, खाली भगवान के साथ ही चल रहे, उनको कोई संसार से कोई लेना देना नहीं है, भगवान के ऊपर ही पूरा डिपेंड रह के चलते हैं ऐसा। तो भगवान महाप्रभु देते हैं उनकी आशीर्वाद कृपा। तो इधर भी आ गए हमको बहुत अच्छा लगा, प्रभु जी भरूच में पदयात्रा आए थे 2010 में आए थे, हम 10 में आए थे वहाँ पे, तब छोटे से थे, बाद में फिर मंगल आरती में आते थे, बाद में गुरुकुल अपना हम भी गए थे, या अपना गुरुकुल है ना, या नंदग्राम, नंदग्राम गए थे उधर ही, फिर अभी दोबारा देखा, दो बार उन्होंने पदयात्रा देखा। ऐसा कई लोग होते, अरे 10 साल पहले देखा था, बाद में तुम ही लोग गए क्या, ये गांव में थे, अभी एमपी में 20 सालों के बाद आ गए, 2002 में आए थे, फिर बाद में एमपी नहीं लिया, लेकिन अभी वृंदावन में थे कार्तिक में, महाराज जी ने पूछा अभी कौन सा रूट बनाएंगे, हमने कहा उज्जैन नहीं गए, उज्जैन जाते हैं। तो फिर उज्जैन से हम वापस उधर भी जा सकते थे, प्रयागराज जाना है तो, फिर गई इंदौर, इंदौर से फिर घूम घूम के फिर मन में आया था भोपाल जाना है, सभी सचिव पवन कहा कि भोपाल में अपना इस्कॉन का मंदिर है आप जाइए, तो मन में था इधर आना, लेकिन आ गए। आप लोगों ने भी कहा वो प्रभु है ना फोन प्रभु बहुत, हम कहा नहीं संडे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 बार फोन करके बोल दिया, लेकिन थोड़ा हमको दूर हुआ, लेकिन आखिर पहुँच गए। और मंदिर में आते थोड़ा अच्छा लगता है, बाहर कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं,
कभी गाली देने वाले होते, इतना पानी यूज़ कर रहे हैं। और भक्त लोग भी, हम एक बार जलगांव में थे, पानी की थोड़ी कमी है वहाँ, ऐसा एक मंगल कार्यालय में रुके, उन्होंने दूसरे दिन शादी था, चार पांच दिन भक्तों को पानी नहीं मिला था। जैसे रामायण में आता था ना, सुग्रीव और ये हनुमान जी और अंगद जाते, उधर एक ऋषि के शाप से उधर का पूरा पहाड़ पूरा पानी 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 नहीं था उधर। हम उधर तीन चार दिन से पानी नहीं मिला, और ऐसे जगह पे सोए, रोड के ऊपर सो जाते थे, और मच्छरदानी नहीं लगाई तो मच्छर काटते हैं, और मच्छरदानी लगाए तो अंदर गर्म होता है, और नीचे से भी ज़मीन बहुत गर्म होती है, तो ऊपर से भी गर्म, ऊपर से भी गर्म, रात भर नींद ही नहीं आए। लेकिन उधर एक जगह पर रुके, पानी का टैंकर उन्होंने भर के रखा था 5000 लीटर का, भक्तों ने घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया। वो चिल्ला रहा है, अरे कल शादी है, लोग आएंगे तो मैं क्या करूँ, अरे आप क्या करना, हमको क्या लेना देना। लेकिन वो भक्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिर उन्होंने अरेंज किया, एक पानी का टैंकर डाल दिया। तो अभी ठंडी थी बहुत सारी, ठंडी के दिन में ठंडा पानी से स्नान करना फिर चलना, लेकिन भगवान की कृपा से तपस्या करने के लिए भगवान शक्ति देते, पुजारी होते हैं, हम तो कपड़ा पहनते, लेकिन इतना ठंडे में भगवान को ऐसा ही भारी मंगल आरती वगैरह होती है, मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते, कोई हॉल के अंदर नहीं होता, बाहरी रोड के ऊपर ही भगवान को रहना पड़ता है, रोड के ऊपर ही प्रोग्राम होता है, लेकिन बहुत लोग लाभान्वित होते हैं, भगवान की कृपा आशीर्वाद मिल जाता है। तो इधर आ गए, बहुत अच्छे भक्त हैं, और बहुत मंदिर में इतने ब्रह्मचारी दिखाई नहीं देते, इधर अच्छा ट्रेनिंग, ये लोग कपड़े में हैं उनको अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, और यहाँ से और ज़्यादा प्रचार, महाप्रभु की कृपा हम सभी को बांट सकते हैं। तो हाँ, ईर्ष्या रहे और शुद्ध भाव से अंतकरण से हमको भगवान को प्राप्त करना है, और जीवों को भगवान की सेवा में लगाना है, ऐसे भाव से हम प्रचार करते तो भगवान फिर हमको यश दे देंगे, और जो भी है उनका ही यश हमको निमित्त बनवा देंगे। लेकिन हम बहुत नम्र भाव से भगवान की सेवा में लिप्त रहेंगे, मेरा अहंकार होते हुए फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, थोड़ा इधर उधर ऐसा करके आप लोगों का टाइम पास किया जो भी है, लेकिन इधर बहुत अच्छे भक्त है और अच्छा फॉलो करते हैं, कभी कभी जगह बहुत मिक्स हो जाता है ये, लेकिन जो परमपूज्य भक्ति कृष्ण महाराज जी है उनके जो सेंटर मंदिर होते हुए विशेष होता है उनका, अलग सा ही अच्छा लगता है, पर वैदिक जाते तो मन प्रसन्न। कभी कभी रोड के ऊपर जप करते हैं तो बहुत सारी गाड़ी घोड़ा आता है, थोड़ा दूर जाके जप करते बहुत अच्छा लगता है, शांति का अनुभव करते जब हम अपना अपना जब सुन सकते, कभी कभी फैन का भी आवाज़ आता है तो दिक्कत होती है, यार यार क्या खटखट खटखट आवाज़ आ रहा है, लेकिन अभी तो फैन वगैरह इधर हुआ, लेकिन कई जगह पे फैन भी नहीं यूज़ करते, लेकिन शांति कोई नहीं, और नेचुरल ये जो निसर्ग का जो आनंद है हम साधना के लिए उसका उपयोग कर सकते, नहीं बहुत सारी गाड़ी है, लाइट है, फोकस है, इधर उधर प्रारोजगन होता है, लेकिन गाँव में जाते तो बहुत अच्छा सा शांतिमय वातावरण होता है साधना करने के लिए, जप करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी है, इधर हम लोग एक हम उज्जैन में रुके थे नवदीप मंडल परिक्रमा के लिए, हर साल जाते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए भी जाते हैं, वो छोटे गौरनिताए हर साल जाते हैं ब्रजमंडल के लिए, हम रुके नहीं थे, इंदौर तक रुके नहीं, एक दिन रामनवमी के दिन एक दिन रुके, बाद में अभी इधर ही रुके, मतलब दो दिन, नहीं तो रोज चेंज करना है, रोज़ अपना लगेज बांधना है, अलग अलग रोज़ जगह ढूंढना है, लेकिन भगवान करा देते हैं, अरेंजमेंट बराबर हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है, किचन होता है, भगवान को भोग लगता है, कहीं भी नहीं करते, बहुत अच्छा सा, क्योंकि भगवान के बर्तन अलग होते हैं, हमारे बर्तन अलग होते हैं, इतना फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पदयात्रा में पूरा ऐसा प्रभु जी पता है उनको, बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, शुद्धता उसे मिल जाती है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक दिन रुक रहे गौरनीता है यहाँ पे, और भक्त लोग रुक रहे, कल यहाँ से आगे जबलपुर के लिए प्रस्थान होगा, इच्छा थी इधर आने की, भोपाल आने की, भगवान ने इच्छा पूरा करा दिया, आप लोगों का भी दर्शन संग सानिध्य प्राप्त होगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।